Dear students, welcome. Our today's video is for teaching of science B.Ed. some second students. असी इहदे विच अज डिस्कस करांगे कि किस तरह के जिहड़े लोंग ते शॉर्ट ते क्वेश्चन ने तुहाडे पेपर दे लई बन सकदे आ, मीनस किस तरह के होणगे ते की ओह किन्ने इंपॉर्टेंट होंगे. सब तो पहला सैक्शन ए दे विच तुहानू दो क्वेश्चन आणगे जिहदे विच तुसी एक अटैम्प्ट करना है. उस तरीके नाल सैक्शन बी दे विचों तुहानू दो लोंग क्वेश्चन आणगे ते तुसी एक करना है. तो जिहड़े शॉर्ट नोट्स ने वो ए ते बी दोनों सैक्शन दे विचों मिला के ही आणगे. सब तो पहला सैक्शन ए, इहदे विच है साइंस लैबोरेटरी. इहदी प्लैनिंग परचेज एंड मेनटेनेंस ऑफ अपार्ट्स एक लोंग क्वेश्चन बन रहा है. तो जिहड़ा साइंस लैबोरेटरी का मीनिंग तुहानू क्लीयर होना चाहिए. शॉर्ट दे विच ओनली प्लैनिंग भी पूछी जा सकती है, तो परचेजिंग बारे भी पूछा जा सकता, ओनली मेनटेनेंस बारे भी पूछा जा सकता है. नैक्सट क्वेश्चन है मेनटेनेंस ऑफ स्टॉक एंड स्टोर रजिस्टर्स. इत एक लोंग क्वेश्चन भी बन रहा है, तो शॉर्ट नोट भी बन रहा है कि तुम जे स्टॉक के स्टोर रजिस्टर ने उन्होंने किस तरीके मेनटेन करके रख सकते हो, अलग अलग दोवे शॉर्ट भी तो एक पूरा लोंग भी. नैक्सट है मेनटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर. हूँ रिकॉर्ड मेनटेन करने के मैथड्स ढंग कि दैन सेफ्टी प्रोसीजर मीनस किस तरीके सेफ रख सकते हो, हूँ इन्हों के उपर शॉर्ट नोट की ही पॉसिबिलिटी है. नैक्सट है को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस, मीनस जिहड़ियां असीं एकेडमिक तो बिना गल करते हैं वो होंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़. सब तो पहले बच्चे थोड़ा मीनिंग क्लीयर होना चाहिए इहदा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का. हुण इहदे ते जिहड़ा देखो लिखिया गो फील्ड ट्रिप्स, स्कूल गार्डनिंग, बायोलॉजी क्लब्स, विजिट टू साइंस म्यूजियम, साइंस फेयर, एग्जर्शनस, क्विज, सैमीनार, ये सारिया इहदियां अप्रोचेस ने जां इहनूं को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह सकदे हो तुसीं. हुण इहदे विच तुहानूं कोई दो भी दित्तियां हो सकदियां है कि तुसीं जिन्हां बारे लिखना है डिटेल दे विच, जां इह भी हो सकदा कि किहड़ियां किहड़ियां टीचिंग ऑफ साइंस दे नाल साइंस नूं पढ़ाउण दे लई को करिकुलर जिहड़ियां जां नॉन फॉर्मल अप्रोचेस ने तुसीं लिखो. तां तुसीं अपनी मर्जी दे अकॉर्डिंग जिद्दां कि फील्ड ट्रिप चूज़ कर लिया, स्कूल गार्डनिंग हो गया, बायोलॉजी क्लब्स, मीनस जो तुहानूं क्लीयर है तुसीं उन्हां बारे लिख दोगे. हुण घट्टो घट्ट तुसीं देखना भी जे 6 से 7 पेज तुसीं ने भरने हैं तां तुसीं घट्टो घट्ट 4 जिहड़े अप्रोचेस ने उन्हां दे बारे जरूर लिखो. तुसीं फिर उन्हों उहदे अकॉर्डिंग ही मैनेज कर लेना है. हुण इहनां दे उपर ही शॉर्ट नोट बन रहे ने. ओनली फील्ड ट्रिप दा मीनिंग की है, इहदे ऑब्जेक्टिव की ने, किस तरीके नाल इहदी ऑर्गनाइजेशन हुंदी है, इस तरीके नाल स्कूल गार्डनिंग की हुंदी है, बायोलॉजी क्लब्स की हुंदे ने, की इहनां दी इंपोर्टेंस है, विजिट टू साइंस म्यूजियम, साइंस म्यूजियम की होंगे है, इन्हों विजिट कराने की इंपॉर्टेंस है, की ऑब्जेक्टिव होंगे, एवें साइंस फेयर, एग्जर्शन, क्विज, सैमीनार्स. हुण इन्हां दा तुसीं मीनिंग ते इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स थानू ये क्लीयर होने चाहिए. एज ए शॉर्ट नोट भी इकला यह पूछा जा सकता कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैमीनार्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्विज. नैक्सट है साइंस नोटबुक्स की होंदिया ने, फिर रेफरेंस बुक्स की होंदिया ने, साइंस जर्नल्स ते लाइब्रेरी फॉर साइंस. इस इकला जिहड़ा लाइब्रेरी फॉर साइंस है उते ही क्वेश्चन बनता है क्योंकि बाकी सारे नाल ही लिंकड ने. हुण साइंस नोटबुक की होंदी है, ऑटोमैटिकली तो शॉर्ट नोट ही आ रहा है. रेफरेंस बुक्स की होंदिया ने, वह बुक्स जो असीं एक्सट्रा पढ़न दे लई हैल्प लैंदे आ, मीनस जिन्हां दे विचों सानूं कुछ भी क्यूज मिलते हैं जिन्हां नाल असीं जिहड़ी अपनी नॉलेज उहनूं वास्ट कर सकते हैं. फिर साइंस नाल रिलेटेड जर्नल्स मीनिंग इहदा क्लीयर होना चाहिए. नैक्सट सैक्शन बी, मैथड्स ऑफ टीचिंग. लैक्चर मैथड इकला भी आ सकता है लोंग क्वेश्चन. लैक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मैथड, ह्यूरिस्टिक मैथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड एंड यूनिट प्लैनिंग, ये सारे की ने मैथड्स. हुण ये बच्चे मैथड कोई थोड़ा दो भी पूछे जा सकते एज ए लोंग, जेकर असी गल करिए मैनेज अपना वो अकॉर्डिंग करना कि तुसी किन्ने तुहाडी स्पीड है, किन्ने तुसी पेज भर सकते हो, उहदे अकॉर्डिंग तुसी उहनूं मैनेज कर लोगे. एक सिंगल सिंगल जिहड़ा मैथड है उहदे ते भी लोंग क्वेश्चन बन रहा है. हुण इहनां दे विचों शॉर्ट नोट, हुण लैक्चर मैथड इहदे देखो मैरिट्स ने, डीमैरिट्स ने, तो सुजैशनज ने कि असी किवें इंप्रूव कर सकते हैं. हुण 3 शॉर्ट नोट इहदे विचों निकल रहे हैं. ऐसे तरीके नाल लैक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मैथड है, ह्यूरिस्टिक मैथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो यूनिट प्लैनिंग है. इन्हां दे शॉर्ट नोट इस तरीके नाल ही विचों बन रहे हैं. इकला मैथड बारे भी पूछा जा सकता है एज ए शॉर्ट नोट. दैन है लैसन प्लैनिंग इन साइंस. सब तो पहले तो कॉन्सैप्ट, कॉन्सैप्ट दे तुसी मीनिंग ते डेफिनेशन, दैन ऑब्जेक्टिवस, इंपोर्टेंस एंड स्टैप्स. हुण सब तो पहले तो शॉर्ट नोट की गल करते हैं.
लैसन प्लैनिंग नू डिफाइन करो, एक शॉर्ट नोट हो गया। हुण ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंस के जिहड़े स्टैप्स ने इन्हां तिन्नां दे विचों कोई दो मिला के भी आ सकते हैं लैसन प्लैन दे नाल संबंधित। मीनज हो सकता तुहानूं ऑब्जेक्टिव ते स्टैप्स आ जाण, हो सकता तुहानूं इकल्ले मीनिंग दे नाल इंपोर्टेंस ऑफ लैसन प्लैनिंग पूछ ली जाए। इस तरीके नाल इह जिहड़ा लोंग क्वेश्चन आ उह बनेगा। शॉर्ट नोट इकल्ले इकल्ले ही बन रहे इहदे विचों, स्टैप्स अलग, इंपोर्टेंस अलग, ऑब्जेक्टिव अलग ते मीनिंग अलग। नैक्सट है इवैल्यूएशन, इहदे विच कॉन्सैप्ट क्लीयर होना चाहिए थोड़ा बच्चे मीनिंग, ता ही तुसीं अगों जिहड़ा अपना टॉपिक आ उहदे बारे वधिया याद रख सकते हो। नैक्सट इंपोर्टेंस एंड टाइप्स, फिर की इंपोर्टेंस है इवैल्यूएशन दी ते कीड़ियां कीड़ियां दीआं टाइप्स ने, एक ही लोंग क्वेश्चन इहदे उपर बन रहा। इकला इवैल्यूएशन द मीनिंग ते इंपोर्टेंस भी पूछा जा सकता है। नैक्सट है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। हुण तुहानूं इहदा मीनिंग क्लीयर होना चाहिए एज ए शॉर्ट नोट, इट्स वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट क्वालिटीज ऑफ अ गुड टैसट, ये सिर्फ शॉर्ट नोट के आ सकता है कि एक जरा गुड टैसट उहदी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ने। नैक्सट टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, हम जो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ने, तो लोंग क्वेश्चन बन सकता है। जिम्मे कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ने जिदे अच्छी ऑब्जेक्टिव टाइप कहने, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे ने, ऐसे टाइप हम किसी एक ही पूछे जा सकते हैं। जो थोड़ा ये जेडे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के है तो यह भी पूछे जा सकते कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन ने वो कि मैरिट्स ने कि डीमैरिट्स ने। इस तरीके ऑब्जेक्टिव टाइप तो इस तरीके जो शॉर्ट आंसर टाइप ने वो बारे पूछे जा सकते। नैक्सट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टैसट इन साइंस, ये तो सिर्फ शॉर्ट नोट ही बन रहा है। ये तुसी एक जे थोड़ा विद एग्जैम्पल आता है तो उत्थे लोंग क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि उत्थे तुसी ने बना के जो फॉरमेट है वह दसना होंगे, क्वेश्चन वगैरह बनाओगे फिर थोड़ा उन्होंने लोंग क्वेश्चन बन सकता कि तुसी किस तरीके जो अचीवमेंट टैसट ने साइंस के उन्होंने कंसट्रक्ट कर सकते हो बना सकते हो। ये स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ी इन रिलेटिड, बट तुसी जो मैं टीचिंग ऑफ साइंस से टीचिंग ऑफ मैथमैटिक्स के लिए वीडियोज़ पाइया ने ये कह लो थोड़ा 70% सिलेबस कवर हो रहा है, तो तुम प्लीज़ उन्हों की हैल्प ले लो, क्योंकि बच्चे तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो कि टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जिहड़े विच टॉपिक नहीं है उन्होंने मैं जरूर थोड़ी हैल्प करन दे लई तैयार हाँ। एक दिन हैगा या तुहाडे कोल तुसी इस वीडियो की हैल्प लैके आने, दूसरे बाकी के क्वेश्चन टीचिंग ऑफ SST ते टीचिंग ऑफ मैथमैटिक्स ने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं प्लेलिस्ट तो तुसी चैक करके अपना कंप्लीट कर सकते हो। फिर भी मैं कोशिश कर दी थोड़े लिए एक जी डिफरेंट टीचिंग ऑफ साइंस के लिए इन्हां दे विचों कढ़ के प्लेलिस्ट अलग तो तैयार कर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।